वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे एक ब्लड डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है पॉलीसाइथेमिया। समझेंगे कि पॉलीसाइथेमिया क्या होता है और यहां पर पॉलीसाइथेमिया के क्या क्या कॉजेज हैं, कैसे होता है, और गाइस ये भी समझेंगे कि पॉलीसाइथेमिया कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या इसमें साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन को कैसे पता लगाते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, और यहाँ पर पॉलीसाइथेमिया के पेशेंट में कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। गाइस सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि पॉलीसाइथेमिया क्या होता है। गाइस यहाँ पर जो पॉलीसाइथेमिया के पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। गाइस यहाँ पर पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में एबनॉर्मल इंक्रीज हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, एबनॉर्मल इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ नॉर्मल से एबनॉर्मल होती है तो कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो एबनॉर्मल देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं पॉलीसाइथेमिया में हीमोग्लोबिन इंक्रीज होने की। पहली कंडीशन है कि बॉडी के अंदर ब्लड में प्लाज्मा का लेवल डिक्रीज हो गया हो या फिर आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बात करते हैं पॉलीसाइथेमिया के कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की। पहला यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि क्रोनिक हाइपोक्सिया। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको क्रोनिक हाइपोक्सिया है, लंबे समय से ऑक्सीजन की डिफिशेंसी है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को इंक्रीज कर देती है, तो उस कंडीशन में भी पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला कॉज है, रिस्क फैक्टर जो है वो है क्रोनिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट यहाँ पर स्मोकिंग वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस जेनेटिक पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें जेनेटिक भी पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिविंग इन हाई एप्टीट्यूड। अगर कोई ऐसे पर्सन है जो हाई एप्टीट्यूड में रहते हैं तो उस कंडीशन में जो बॉडी है हमारी वो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो लॉन्ग टर्म से कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आता है तो उस कंडीशन में भी पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज और रिस्क फैक्टर हैं जिन कंडीशन में आपको पॉलीसाइथेमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं कि जो पॉलीसाइथेमिया होता है ये कितने टाइप्स का होता है। गाइस यहाँ पर जो पॉलीसाइथेमिया होता है ये चार टाइप का होता है। पहला यहाँ पर प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, सेकंड सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, थर्ड यहाँ पर जो है रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया होता है, और जो फोर्थ होता है वो स्ट्रेस पॉलीसाइथेमिया होता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया क्या होता है। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन का भी जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर बात आती है कि आरबीसी का नंबर इंक्रीज क्यों होता है। गाइस यहाँ पर बोन मैरो में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो उस कंडीशन में अगर आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है कि अगर हमारे कोई किडनी में प्रॉब्लम है, कोई किडनी में कोई ट्यूमर वगैरह है, तो उस कंडीशन में जो इरिथ्रोपायोटिन नाम का जो हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, और जो इरिथ्रोपायोटिन होता है ये ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर जो किडनी से अगर इरिथ्रोपायोटिन का लेवल इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में भी पॉलीसाइथेमिया देखने को मिल जाता है, जिसको हम सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। थर्ड यहाँ पर जो पॉलीसाइथेमिया के टाइप्स है वो है रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया। रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है कि आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है विदाउट इंक्रीज टोटल आरबीसी मास। इसमें क्या होता है कि जब प्लाज्मा का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यह होती है कंडीशन रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया की। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्ट्रेस पॉलीसाइथेमिया होता है, इसमें क्या होता है कि क्रोनिक जो है प्लाज्मा लेवल जो है डिक्रीज रहता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको लॉन्ग टाइम से प्लाज्मा का लेवल डिक्रीज है तो उस कंडीशन में स्ट्रेस पॉलीसाइथेमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की कि एक पॉलीसाइथेमिया के वाले पेशेंट में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पर जो सिम्टम्स है वो ये मिलेगा कि पेशेंट में साइनोसिस देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पर रेडनेस इन द फेस, फेस पर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पेशेंट में ईचिंग आफ्टर बाथ, मतलब नहाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसलिए उसको बाथिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होगी। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में डिजीनेस रहेगा, ठीक है, वीकनेस रहेगी पेशेंट में, और टिनिटस, टिनिटस साउंड रहेगी, मतलब उसके ईयर में रिंगिंग साउंड वगैरह देखने को मिलेगी। और यहाँ पर फुलनेस इन द हेड, मतलब जो हेड है वो भारी भारी लगेगा पेशेंट को। और यहाँ पर पेशेंट में वीकनेस रहेगी, ठीक है, विजुअल डिस्टरबेंस हो सकता है पेशेंट में, और यहाँ पर नोज ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में लॉस ऑफ वेट वगैरह देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पेशेंट में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, नाइट में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, पेशेंट में कफ वगैरह देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होंगी उनके अंदर क्लॉट वगैरह बनने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट स्वेटिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर पेशेंट में स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगा, स्प्लीन का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, हिपैटोमेगैली देखने को मिलेगा, लीवर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, लीवर जो है इनलार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जो एक पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, यानी कि इन्वेस्टिगेशन की पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। पहला गाइस यहाँ पर पेशेंट में आप हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन में देखेंगे किसी को फैमिली में या किसी को पहले कभी पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन तो नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो आरबीसी का नंबर है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, पेशेंट में हिमैटोक्रिट देखने को मिलेगा, हिमैटोक्रिट का मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आरबीसी का परसेंटेज है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर बोन मैरो बायोप्सी करवा सकते हैं, बोन मैरो बायोप्सी में ये पता चलेगा कि बोन मैरो में कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इकोकार्डियोग्राम करवा सकते हैं, और यहाँ पर पेशेंट में SpO2 मेजर करते हैं, और चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाते हैं। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन्वेस्टिगेशंस हैं जो एक पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट में करवाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, मैनेजमेंट की, कि एक पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहला यहाँ पर ट्रीटमेंट में पेशेंट में फ्लेबोटॉमी किया जाता है। फ्लेबोटॉमी में क्या होता है कि पेशेंट की वेन्स को कट करके उसमें से ब्लड निकाला जाता है। ब्लड निकालने से क्या होता है कि पेशेंट में एक तो हाइपरवॉल्यूमिया की कंडीशन कम हो जाती है, पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, और यहाँ पर पेशेंट में आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में फ्लेबोटॉमी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लो डोज एस्पिरिन दिया जाता है। लो डोज एस्पिरिन क्या करता है कि ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं जो ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को डिक्रीज करती हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी यूरिया, जो हाइड्रोक्सी यूरिया होता है ये बोन मैरो को डिप्रेस करता है। जब बोन मैरो डिप्रेस होगी तो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरफेरॉन अल्फा दिया जाता है, ये भी बोन मैरो में एक्ट करता है और ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं जो बोन मैरो को डिप्रेस करती हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर पेशेंट को ऐसी थेरेपी दी जाती है जिसमें ईचिंग को कम किया जा सके। गाइस पेशेंट में एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स देते हैं, जो एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स होते हैं ये ईचिंग को कम करते हैं, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में पेशेंट में ईचिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है और कोई ब्लड क्लॉट होने का जो चांस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो गाइस ये कुछ ट्रीटमेंट होता है जो पॉलीसाइथीमिया के कंडीशन में दिया जाता है। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।